वो प्रदीप सिंह है, राई थाने का एसएचओ है वो। कौन से थाने का क्या है जी? प्रदीप है, प्रदीप सिंह नाम थाने का क्या है? राई थाने में प्रदीप एसएचओ है वो। कभी हमने थाने के आके देखा नहीं, जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता। बताने के जरूरत नहीं है, ये बताने के जरूरत नहीं है। बेटा बताओ आगे, नॉर्मल है, बात सुनो। वो आराम से बोल रहा है, अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है, बोलने में बोलने और डरा हुआ है। उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। चार लोगों की बात नहीं है, चार लोगों की बात नहीं है, ये आंदोलन की बात है। आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब करना है, आंदोलन में कैसे बह क्रिएट करना है, ये बात है। ठीक है, जो बोलता है वो सुन लो। ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे ऐसे तो काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का बच्चा है। चलो बोलने दो। हाँ बेटे बोलो। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी जरूरत थी उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। क्यों बोलो सर? हमने पैसों के लिए काम किया था। हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तबित्र करने हैं, जो 50 से 60 आदमी है उसमें। 50 से 60 आदमी। और मैं प्लीज़ कृपा करके चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली तक ना पहुँचे बात। कितना पैसों की नीड हुई? जी सर, कोई कोई की बात को कर लेंगे यार। 10,000 रुपये। 10,000 सिर्फ? 10,000। एक काइंडली सारी गल कर लें, बात कर लें, सुन लेने दो यार, एक बार पूरी कर लेंगे। अब बेटा अपनी बात पूरी करो, इसको पूरी करने दो, इसको क्वेश्चन ना करो। जी जी हाँ जी हाँ बोलो बेटा। 10,000 रुपये की हुई थी सर इसमें। और जो लड़के हैं सर, वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से ऑर्डर आया है हमारा, जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया है, अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ही, ठीक है। अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, 10% ऐसा ही भी हो सकता है कि ना भी हो ये काम। और जो माखन भोग वाला है, पर वो यहाँ पे आ चुके हैं वो, ठीक है। जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो। कैसे दिखेंगे बोल दो वो लड़के? नहीं ठीक है, कोई लोड नहीं बोलो। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे या और फटी हुई जीन्स होगी। और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो 60 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे, ठीक है। हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपने ख्वाहिशों के लिए, और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो नरेले में, जो करनाल में हुआ था, जो करनाल में हुआ, जो करने दिया, जो करनाल में हुआ था, जो ये जब किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग हट जाओ, पर वो लोग नहीं माने। उसमें भी थे सर हम, उसमें भी थे। हाँ जी, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जाट आंदोलन में, जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? हाँ जी, जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के लोगों पे लाठी चार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? हाँ जी, पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? कोई नहीं है सर हमें, मैं देता कोई नहीं है सर हमें। जैसे ऑर्डर की बात की थी आपको, आपको ऑर्डर किसने दिए, आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? हाँ जी सर, उसमें सर उसी ने दिए थे सर, पर वो हमेशा आता नहीं है, वो सिर्फ किसी और लड़के के थ्रू भेजता है पैसे। एक बार छोड़ो, एक क्वेश्चन बात कर लो पहले, तो पूछ लो। अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं था सर, मेरा कौन से हथियार? आराम से आराम से, मेरा काम सिर्फ इतना था। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चलता नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, आप आराम से बोलो। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं। यार भाई यार तू यार बोलो बोलो दोबारा बोलो। गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं सर, आपका काम